वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और भाई तुम्हारे ने आपके लिए वीडियो ले आया फेस स्मूथिंग ऊपर, तो प्लीज़ जाके वीडियो देखें और देख के मुझे बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर गाइस। गाइस हम अपनी अब गैलरी ओपन करेंगे, उसमें से फिर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट कर रखी है। अब इसको हम ऑटोडेस्क ऐप में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद देखो हम शेयर कर रहे हैं, अभी अपनी ऐप में फ़ोटो खुल सकी है। अब हम आपको जूम करके दिखाएंगे फ़ोटो को पूरा कि कहाँ पे दाग है फेस पे। ये देखो गाइस, ये सारे दाग अभी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने अपनी सेटिंग ओपन करनी है, ब्रश वाली ओपन करके 7 नंबर वाला ब्रश चूज करना है। ये स्मूथ कहाँ गया, ऊपर ऊपर ए रहा, 7 नंबर वाला ब्रश हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद बेसिक पे आ गए, इसके हमने फ्लो और स्ट्रेंथ 3-3% रखना, सिर्फ 3, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो हम इसको करते हैं 3% पे। अब स्ट्रेंथ को भी 3% पे करेंगे ताकि क्वालिटी अच्छी है हमारी। और साइज़ को वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे आप 40 के अंडर अंडर रखो तो अच्छी होगी। ये देखो भाई सब हम इसको कर रहे हैं इसमें, बस भाई हमको थोड़ी साइज बढ़ानी पड़ेगी, 40 के बीच में हो गया। अब देखो होली होली हमने करना है इसको पूरा रिमूव, देखो दाग हट रहा है ना। अब इसको बालों वाले जगह पे आराम से करना है, थोड़ा जूम करके, ठीक है ना गाइस। ये देखो हो रहा है अपना। अब इसको थोड़ा सा जूम जूम कर करके ना थोड़ा सा, ये देखो अब ये जो दाग है अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, इससे हमारी फ़ोटो शार्पनेस पूरी आएगी और लुकिंग में अच्छी लगेगी। ताकि हम इसमें ब्राइटनेस दें ना तो फ़ोटो इसमें बहुत शार्प लगती है इसके लिए। अब चलो हम इसको फटाफट अप कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ फिर एंड में आपको रिजल्ट भी बताऊँगा क्या हुआ इसका, ठीक है। करता हूँ फटाफट। अब ये देखो हमारी फ़ोटो हो चुकी है, हम अब दूसरा एरिया कर रहे हैं इसका। ये देखो गाइस हो रहा है ना, आँखों के नीचे सर्कल बिल्कुल, मतलब साइज छोटा कर लेना आप चाहे तो। उस मेरी पिक वैसी है ना इसलिए मैं छोटा नहीं कि आप आँखों के पास करोगे साइज छोटा करके करना, नहीं तो आँखों के पास काला काला सा दिखने लग जाएगा, जिसके करके आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी। और नाक पे तो बिल्कुल आराम से करना है, हल्का जैसे नॉर्मल सा करना है, उस पर ज़्यादा नहीं तो फिर फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी बेकार लगने लग जाती है, ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। इसलिए हमारी फ़ोटो अब हो चुकी है रेडी ऑलमोस्ट, ठीक है गाइस। देख लो पूरी रेडी हो चुकी है अपनी फ़ोटो। अब हम आपको दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसी बनी हमारी और क्या रिजल्ट निकल के आया है।